संत निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना का शुभारंभ देहरादून में भी किया गया है। संत निरंकारी मिशन द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज एवं निरंकारी राजपिता जी के पावन सानिध्य में दिनांक 26 फरवरी दिन रविवार को अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ जल स्वच्छ मन का शुभारंभ किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण तथा इसके बचाव हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाना एवं उन्हें क्रियान्वित रूप देना है। इस परियोजना का मुख्य बिंदु जल निकायों की स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। ज्ञातव्य हो बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा समाज कल्याण हेतु जीवन प्रयत्न अनेक कार्यों किए गए, जिसमें स्वच्छता एवं वृक्षारोपण अभियान का आरंभ प्रमुख है और उन्हीं के शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हुए प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष संत निरंकारी मिशन निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशन में अमृत परियोजना का आयोजन किया जा रहा है। संत निरंकारी मिशन के सचिव आदरणीय श्री जोगेंद्र सुक्कीजा के जी ने इस परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। यह परियोजना संपूर्ण भारतवर्ष के लगभग 1000 स्थानों के 730 शहर 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशाल रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन द्वीप और दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक के केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और इसी श्रेणी में उत्तराखंड इत्यादि सम्मिलित हैं। इसी परियोजना में निरंकारी मिशन के करीब 1.5 लाख स्वयंसेवक अपने सहयोग द्वारा जल संरक्षण और जल निकायों जैसे समुद्र तट, नदियाँ, झील, तालाब, कुएँ, पोखर, जोहड़, विभिन्न झरनों, पानी की टंकियां, नालियों और जलधाराओं इत्यादि को स्वच्छता एवं निर्मल बनाएंगे। मिशन की लगभग सभी शाखाएं इस अभियान से में सम्मिलित होगी और आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग शाखाएं भी निर्दिष्ट क्षेत्रों में सामूहिक रूप से इन सभी गतिविधियों के में अपना योगदान देगी। अमृत परियोजना के अंतर्गत भारत के दक्षिण क्षेत्र के मुख्य तटबंधों की स्वच्छता, जिनमें सूरत, मुंबई से लगभग लेकर गोवा तक कोकण वेल्ट, मालाबार तट के कर्नाटक केरल की तटीय रेखाओं और अरब सागर के पश्चिमी घाट की सीमाओं को तथा कोरामंडल तट के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्रों को स्वयंसेवकों की टीमों द्वारा कवर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में कावेरी डेल्टा को भी कवर किया जाएगा। नदियां, इस अभियान में प्रमुख नदियों को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें मुख्यतः उत्तरी क्षेत्र में ब्यास, गंगा, यमुना, घाघरा, केंद्रीय क्षेत्र के चंबल, बेताब, नर्मदा, कृष्णी, ताप्ती, सोन नदी, पश्चिम क्षेत्र में साबरमती, माही, तवा, पूर्वी क्षेत्र में महानदी, गोदावरी और दक्षिणी क्षेत्र से कृष्ण गोवा, कावेरी, कोलिंडम इत्यादि प्रमुख हैं। समुद्र तटों एवं नदियों की स्वच्छता हेतु प्रयोग की जाने वाली प्रणालियाँ प्राकृतिक जल निकायों वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लास्टिक, कचरा, अवशिष्ट पदार्थ, झाड़ियाँ, अवशिष्ट खाद्य पदार्थों को हटाकर समुद्र तटों, घाटों एवं नदियों के किनारे की सफाई मिशन के स्वयंसेवकों द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक एवं कृत्रिम जल स्रोत में पाए जाने वाली कहीं काई को जाली की छड़ियां और अन्य उपकरणों की सहायता से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त रास्तों की सफाई, आसपास के क्षेत्रों में घूमने चलने वाले स्थानों को सुशोभित करने हेतु वृक्ष एवं अन्य झाड़ियों को स्वयंसेवकों के सम्मुख द्वारा लाया जाएगा, ताकि पर्यावरण हरित एवं सुंदरित रहे। जागृत अभियान वहीं गतिविधियाँ सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, फिर भी या वह प्राकृतिक जल निकायों को अथवा मानव निर्मित, इस अभियान में लोगों को जागरूक करने हेतु मुख्यतः जल संरक्षण, अच्छी जल प्रथाओं
के बारे में संदेश प्रदर्शित करने वाली नारों, वैनरों, होर्डिंग एवं प्रदर्शन सफाई गतिविधियों के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जल के महत्व एवं उसके संरक्षण पर जागरूकता उत्पन्न करना, रैली मार्च, स्थानीय क्षेत्रों में जल के लिए पद यात्रा करना, जल संरक्षण पर गीतों की प्रस्तुति, जल जनित रोगों के प्रति जागरूक लोक नृत्य, गीत एवं अन्य प्रकार सांस्कृतिक गतिविधियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जल संरक्षण पर जागरूकता इत्यादि प्रमुख है। मसूरी जोन के क्षेत्रीय प्रभारी श्री हरभजन सिंह जी ने यह जानकारी दी कि इस श्रृंखला में रविवार 26 फरवरी को प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक तमसा नदी, टपकेश्वर महादेव, देहरादून मंदिर के आसपास के स्थानों में जागरूकता सफाई अभियान चलाया जाएगा। निसंदेह इस परियोजना के पर्यावरण संतुलन, प्राकृतिक की सुंदरता एवं स्वच्छता हेतु किया जाने वाला एक प्रशंसनीय एवं सराहनीय प्रयास है। वर्तमान में हमें ऐसी ही लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित रूप से देकर अपनी इस सुंदर धरा को हानि से बचा सकते हैं, साथ ही प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा भी रोक लगाई जा सकती है। भगवत प्रसाद जोशी के साथ मैं सुशील मोहन हिल वॉइस के साथ, धन्यवाद।